रहा हूँ दीवाना, मैं आऊँ तो तू डर जाना, भाग जाए सारी बाद में, मैं हूँ एक्शन का मेन, एक्शन का मेन कहूँ दीवाना। थैंक यू मॉम, वैसे मैं ये साफ करने ही वाला था, पर आप कितनी अच्छी हैं जो आपने साफ कर दिया। वैसे मैंने दोबारा पढ़ने वाला हूँ, इसलिए नहीं बांधो मत। नहीं, मुझे लगता है आप तो मैंने दोबारा नहीं पढ़ोगे, और वो इसलिए क्योंकि मैं ये किताबें टॉयलेट पेपर एक्सचेंज के बदले में दे रही हूँ। देखो शिनचैन, तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने किताबें नहीं संभाली, इसलिए हम उन्हें दे रहे हैं। मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, मुझे अच्छे से याद है, ये झूठ है, झूठ है। ये झूठ नहीं, मेरे पास सबूत है, ये देखो। मॉम के साथ प्रॉमिस नंबर 151, अगली बार अगर मैं अपनी किताबें नहीं संभालूंगा तो मैं टिश्यू पेपर एक्सचेंज में दे दूंगा। मेरे साइन, मेरा लकी चार्म, मेरे हाथ की स्टैम्प, यही है ना? मुझे नहीं याद। हाँ यही बात है, तो ठीक है। मैं जानता हूँ मॉम कि आप मजाक कर रही हैं, अब कह भी दीजिए कि आप मजाक कर रही हैं। ये मजाक नहीं है मॉम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। छोड़ो मुझे, मैं हमेशा अपनी चीजों को साफ रखूँगा मॉम। मैं इस बात पर दोबारा बहस नहीं करना चाहती, समझ गए तुम? मॉम मुझ पर भरोसा करो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, छोड़ो मुझे। मॉम मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे एक मौका दो। मॉम एक मूली बन गई। मैं दोबारा अनाउंसमेंट करता हूँ, ये वही टिश्यू पे उचित मूल्य ले जाइए, एक बार फिर हम आपके मोहल्ले में आ गए हैं। जरा इधर आएंगे प्लीज। आया मैडम। ये लीजिए मैडम। सिर्फ दो? आपको थोड़ा ज्यादा देना चाहिए ना। मैडम क्या करें, आजकल काफी महंगाई हो गई है, इसलिए कम ज्यादा चलता ही रहता। मैम शुक्रिया मैम। मैं दोबारा अनाउंसमेंट करता हूँ, ये वही टिश्यू पेपर एक्सचेंज सर्विस है। देखो शिनचैन, अगर तुम मॉम को ऐसे परेशान करोगे तो यही होगा। हा? ये कहाँ गया शिनचैन? अरे मेरी किताबें कहाँ पर गई? ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काम काफी है। ओ भाई साहब, मेरी बुक्स को छोड़ दो, एक बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए बुक्स की जरूरत होती है। एक बात सुनो बच्चे, मुझे सभी बुक्स एक्सचेंज में मिली हैं, समझे तुम? पर मेरी हेल्प तो कर सकती हो ना? उसके बारे में सोचना पड़ेगा, पर तुम यहाँ? ओ तो ये बात है, तुमने अपनी चीजें ठीक से नहीं संभाली, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है ना? मैं एक्शन कमीन के बिना जी भी नहीं सकता, मुझे बचा लो। ओ हाँ, स्कूल टाइम के दिनों में मैंने भी काफी सारी कॉमिक्स जमा की थी, पर मेरी मॉम ने सारी कॉमिक बुक्स को फेंक दिया था। आप भी उन्हें मेरी तरह नहीं संभालती थी? अरे नहीं भाई, वो मैं क्या करता था, कॉमिक पढ़ता था और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था, क्या करें, उनको मेरी भावनाएं कभी समझ में ही नहीं आती थी। तो आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, मेरा दुख समझ सकते हो? मैं समझ सकता हूँ। ठीक है ये तुम ले लो, मैं पूरी तरह तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम्हें अपनी चीजों को ढंग से रखना आना चाहिए। ठीक है चलो तुम्हारी किताबें ढूंढते हैं। तुम्हारे पास काफी किताबें हो गई, क्या तुम सबको ले जाओगे? तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ, सबको ले जा पाओगे? ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो? ये एक भलाई का काम है और कुछ नहीं। मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारे घर जाने के लिए इस सड़क पर सीधा जाना पड़ेगा ना? वाटर पार्क का यही रास्ता है। सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें सैर पर नहीं ले जा रहा हूँ। अरे बहुत वक्त हो गया, हैरानी की बात है शिनचैन गया कहाँ? कितनी अजीब बात है कि वो एक्शन कामेन भी देखने नहीं आया, गया कहाँ? ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर कहीं ऐसा हो गया हो तो क्या होगा? शिनचैन, शिनचैन! वो गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? अगर कोई बच्चा
मैम। शिनचैन। ओ अच्छा, तो शिनचैन तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ, तो ये बात है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं कोई बात नहीं। तो आप ये टॉयलेट पेपर वापस ले लीजिए। अरे नहीं कोई बात नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे ये तो उपकार है, और अगर तुमने अपनी चीजें नहीं संभाली तो मैं अगली बार आऊंगा और ले जाऊंगा, समझे तुम? ध्यान से रखना। मैंने आगे से पक्का संभाल लूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, अगली बार फिर जल्दी मिलेंगे, तब मेरे पास बहुत सामान होगा। अलविदा। ये हफ्ते की टिश्यू पेपर एक्सचेंज सर्विस है, आज का टाइम खत्म हुआ, मैं दोबारा आऊंगा, तो आप लोग मेरा इंतजार करना। हाँ? टीवी खराब हो गया। मॉम बताइए। पहले ऐसे करो, फिर ऐसे, फिर पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर। अरे तुम ये सब यहाँ मत करो, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अरे यहाँ लेट कर बनाने में मजा आ रहा है। अरे शिनचैन, एक्शन का मैच शुरू होने वाला है। उसकी शुरू होने का टाइम हो गया है। तो अब इसने कोई नया स्टाइल अपना लिया है। अब खाओ सबको खिलाओ, अब खाओ सबको खिलाओ, और खाने का ले लो पूरा मजा। चलो अच्छा है, जब तक ये टीवी देखता है तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। हो गया, एक्शन कमेंट। वाह, ये एंट्री है। दो शरीर होते। ओ नहीं, ये दोबारा से खराब हो गया, अब तो इसमें दो दो दिखाई दे रहे हैं। अरे मॉम, फिर इसे जल्दी से ठीक करो ना। हाँ हाँ, मैं कोशिश करके देखती हूँ, शायद ये ऐसे ही ठीक हो जाए। तुम क्या सोचते हो, मैं इनकी तरह हार गया हूँ? हाँ। आज तो कुछ होके रहेगा। ये वापस दो हो गए। देखो शिनचैन, इस तरह से मारने से ये ठीक हो जाएगा। अब ये तीन हो गए। तीन कैसे हो गए? ये तो बहुत अजीब बात है। अब तीन है, वापस चार हो गए। आखिर ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? मैं परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्या हुआ इसे, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोशिश करना बेकार है, हमें लोन पर नया टीवी नहीं लेना चाहिए। अभी भी दो दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है अब तो मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। फोन करती हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब ये खराब हो गया है मैडम, मुझे लगता है आपके लिए अब नया टीवी ही खरीदना ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मैं इसे ऐसे ही ठीक करके रहूंगी। चुप रहो शिनचैन, ऐसी बातें समझते हैं, तुम्हें कहना चाहिए टीवी खराब हो गया है। अरे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक हो जाओ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब तो ठीक हो जाओ। कंपनी का मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। क्या खराबी है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? नहीं मैडम, अब ये काम नहीं करेगा, अब आपको नया टीवी ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसकी बात का भरोसा नहीं। सुनिए, टीवी इतनी जल्दी खराब तो नहीं होते, आप एक बार कोशिश करके देखिए ना। ये तुम सही कह रही हो मैडम, मैं तुम्हारी बात ठीक मानता हूँ, टीवी जल्दी से खराब नहीं हुआ करते मैडम, पर मुझे लगता है कि ये किसी बड़े धक्के या टक्कर से हुआ है। ये टीवी इस हद तक खराब कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम नया टीवी ले लेंगे। शिनचैन, क्या टीवी ठीक हो
हो गया। कोई बात नहीं, हम नया टीवी ले लेंगे बेटा, ठीक है? चलो उसे लेने चले। मगर नया टीवी कल तक ही आ पाएगा बेटा, बस आज के लिए हमें बिना टीवी के रहना होगा। सिर्फ आज के लिए बेटा, सिर्फ आज के लिए। बियन, कमांडर जैक। ये वो सारे प्रोग्राम है जो ये आज रात देखने वाला था, सब समझती हूँ। एक्शन कमिंग, क्वांटम रोबोट, सेलर ऑफ कैरेबियन, कमांडर जैक। एक्शन कमिंग, क्वांटम रोबोट, सेलर ऑफ कैरेबियन, कमांडर जैक। एक्शन कमिंग, सेलर ऑफ कैरेबियन, कमांडर जैक। मैं समझ गई हूँ, चुप हो जाओ, मैं समझ गई हूँ, समझे? अरे ये सब किस लिए? हमारा टीवी खराब हो गया है हैरी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो इसका मूड नहीं बदलता, क्या करती? अच्छा क्या तुमने? ये सिर्फ आज के लिए है। चलो शुरू करते हैं। वैसे कभी कभी बिना टीवी के खाना भी अच्छा लगता है ना? ये आपके लिए। ओ थैंक यू मुझसे। अरे तुम भी थोड़ा सा टेस्ट करो ना। क्या मैं भी लूं? यो डैड, आपको मिल्कशेक कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। अच्छा ये बताओ, आज तुमने अपने स्कूल में क्या क्या किया?